नमस्कार, मेरा नाम सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि कम से कम हमारे शरीर में कितनी बॉडी फैट हो सकता है, कितनी बॉडी फैट परसेंटेज हो सकती है। बॉडी फैट परसेंटेज क्या होती है पहले बता चुका हूँ, पीछे जाके देख सकते हो यूट्यूब पे मेरा नाम और बॉडी फैट परसेंटेज सर्च कर लो, मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। आदमी के लिए कम से कम शरीर में 2 से 5% की बॉडी फैट ज़रूरी है, औरत के लिए 10-11 से लेकर 13% तक की बॉडी फैट कम से कम ज़रूरी है। इससे कम करोगे तो मर जाओगे, और अगर इस रेंज में रहते हो तो भी ये तुम्हारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। इतनी कम बॉडी फैट परसेंटेज तुम्हारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। अब तुम कहोगे कि मैं मान लो मतलब ये 2 से 5% और ये 10-11 से 13% की जो रेंज है, ये इस रेंज में सटीक नंबर क्या है, कम से कम कितनी जा सकता हूँ। देखो, हमें एकदम सटीक नंबर नहीं पता कि मतलब आदमी के लिए 3.7 और औरत के लिए 12.3 या 12.9 या फिर 11.5, ऐसा हमें सटीक नंबर नहीं पता, पर लगभग लगभग ये नंबर है। इस रेंज से नीचे मर जाओगे, इस रेंज में आओगे तो शरीर को नुकसान आएगा, ठीक है। जैसे जैसे देखो, जब मोटा आदमी बॉडी फैट कम करता है तब तो ठीक है, पर जैसे जैसे आपकी बॉडी फैट परसेंटेज कम होने लगती है, 13, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, जैसे जैसे बॉडी फैट परसेंटेज कम होने लगती है, तो जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5 जैसे होगी ना, तो आपकी परफॉर्मेंस कम हो सकती है। जैसे अगर आप दौड़ रहे हो, आप दौड़ाके हो, रनर हो, तो हो सकता है आप उतना तेज ना दौड़ पाओ, आपका शरीर उतना साथ ना दे। हो सकता है अगर आप बॉडी बिल्डर हो, वजन उठाने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है आप उतना वजन ना उठा पाओ, और ऐसा होता भी है काफ़ी बार। अब बॉडी बिल्डर जो होते हैं या जो एथलीट होते हैं, वो आमतौर पे आदमी जो होते हैं वो लगभग 6 से 12-13% की बॉडी फैट परसेंटेज पे वो कॉम्पिटिशन वगैरह लड़ते हैं। जैसे बॉडी बिल्डर स्टेज पे बॉडी बिल्डिंग का कॉम्पिटिशन कर रहा है, वो लगभग इसके आसपास होते हैं, और जो औरतें हैं वो लगभग 14 से 20% के आसपास की रेंज पे कॉम्पिटिशन वगैरह लड़ती हैं, या फिर एथलीट जो होते हैं वो कॉम्पिटिशन लड़ते हैं इस रेंज पे। मैंने बताया था पहले वीडियो में कि जो भी आदमी के लिए बॉडी फैट परसेंटेज है उसमें 7-8 जोड़ दो तो औरत के लिए उसी के बराबर की बॉडी फैट परसेंटेज मिल जाती है, तो आप वही हम पे देख सकते हो, ठीक है। अब कुछ लोग, आपने कभी इंटरनेट पर पिक्चर वगैरह देखी हुई बॉडी बिल्डर की फोटो होगी, उसमें लिखा होगा 2-3% बॉडी फैट, के बॉडी बिल्डर का 2 से 3% बॉडी फैट है। भाई इस पे क्या है कि इस पे पहले डिबेट हो चुकी है कि भाई क्या 2 से 3% सच में हमारे शरीर में बॉडी फैट परसेंटेज इतनी जा सकती है, या फिर हम उससे पहले ही मर जाएंगे। तो इस पे डिबेट रह चुकी है, और हम एकदम सटीक तरीके से, मैंने बताया ना, हम एकदम सटीक तरीके से नहीं कह सकते कि इतनी बॉडी फैट परसेंटेज है 3.7 से नीचे मर जाओगे, और हम एकदम सटीक तरीके से ये भी नहीं कह सकते कि 3.7 ही तेरी बॉडी फैट परसेंटेज है, क्योंकि नापने के जो तरीके हैं वो उतने एक्यूरेट नहीं है, उतने सटीक नहीं है जो नापने के तरीके। तो आप ऐसा मान सकते हो कि ये आपको मतलब अगर कॉम्पिटिशन वगैरह लड़ना है तो 5-6% से ऊपर ही रहना है आपको, 10-11-12-13% के आसपास तक इस रेंज के बीच में, और आदमी के लिए और औरत के लिए 7-8% जोड़ के लगभग 13-14% से ऊपर 20-21% तक, ठीक है। जो जिन लोगों का मसल मास कम है, जिनके शरीर में मांसपेशियां कम है, मसल कम है, उन्हें बहुत ज़्यादा बॉडी फैट परसेंटेज कम नहीं करनी चाहिए, उनके शरीर को नुकसान हो सकता है। पहले से ही आप पतले हो, उसमें से पहले आपकी चर्बी है ज़्यादा, तो मांसपेशियां तो कम है, और चर्बी भी हटा दोगे शरीर की हालत ख़राब हो जाएगी। मतलब तो कितनी बॉडी फैट परसेंटेज आप 13-14-15-16-17 आदमी के लिए बता रहा हूँ, 13-14-15-16-17 के आसपास की बॉडी फैट परसेंटेज पे अगर आप मोटे हो तो पतले होकर के वहाँ तक आ जाओ, मसल बढ़ाने की कोशिश करो, मसल बढ़े फिर वापस से उसी बॉडी फैट परसेंट पे जाओ, फिर थोड़ी ज़्यादा मसल हो जाए तब आप 10-8% तक बॉडी फैट तक जाने की कोशिश कर सकते हो। पर वैसे औरतों के लिए भी है, आप समझ लो 20-21-22-23-24% तक आप ले आओ अपनी बॉडी फैट परसेंटेज, फिर मसल बढ़ाने की कोशिश करो, फिर थोड़ा फैट भी बढ़ेगा, फिर थोड़ी फैट कम करो, फिर वापस 20-21-22-23-24 की फैट परसेंटेज पे आते हो, फिर कम करके आप फिर थोड़ा 20 से नीचे 15-16-17-18 की बॉडी फैट परसेंटेज पे आने की सोच सकते हो, पर पहले मसल बढ़ाओ अपने शरीर में। पतला आदमी जिसके शरीर में मसल कम है, वो अगर बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा कम करने की कोशिश करे, उसको शरीर को नुकसान हो सकता है।
इसके आगे मैं आगे भी वीडियोस में बॉडी फैट परसेंटेज के बारे में कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ कि हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज के क्या है, तो कम से कम कितनी होनी चाहिए, इस तरीके की बात है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।